हेलो फ्रेंड्स, पीएस की किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल साग का पराठा। लाल साग, इसको चौराई का साग भी बोलते हैं। ये आयरन से भरपूर होता है और ये इस टाइम में, मतलब मार्च से सितंबर तक, ये मार्केट में अच्छे आसानी से ये मिल जाता है और ये काफ़ी न्यूट्रिशियन होता है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सबसे पहले इसको हम बॉईल कर लेते हैं। तो बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन को चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम साग डाल देंगे और इसे बॉईल होने के लिए, यहाँ पे मैंने साग को बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। मैंने इसको कट नहीं किया है, आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। और इसको मैं ऐसे ही जो चढ़ा दी हूँ, अब ये बॉईल हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साग मेरा बॉईल हो गया है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने साग को ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पे मैंने आटा लिया है। यहाँ पे मसाले में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कसूरी मेथी आधा टेबल स्पून, आमचूर पाउडर लिया हुआ है आधा टेबल स्पून, मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया हुआ है, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून से भी कम है। अब इन मसालों को ये आटे के अंदर हम मिक्स कर देंगे और जो ये साग मैंने रखा हुआ है ग्राइंड करके, इसको भी आटे के अंदर हम मिक्स यहाँ कर पे देंगे। साग को आटे के अंदर हमने मिक्स कर दिया है। अब इसका एक हम सख्त डो बना लेंगे, जैसे पराठे और पूरी के लिए हम बनाते हैं वैसे ही इसको बनाएंगे। इसके अंदर पानी अभी हम ऐड नहीं करेंगे, जो साग मैंने डाला है उसी से पहले अच्छे से इस आटे को हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो फिर हम आटा, तो फिर हम पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने 1 कप पानी यूज़ किया है और आप देख सकते हैं एक अच्छा सा डो पराठे के लिए रेडी हो गया है। इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं डो इसका लगाना है आटा का, बस थोड़ा सा हल्का सख्त रहे, जैसे हम पराठे और पूरी के लिए लगाते हैं। यहाँ पे ये देखिए मेरा आटे का डो अच्छे से एकदम सा रेडी है। ये बहुत ही गीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, जैसे पूरी और पराठे के लिए बनाते हैं वैसे। इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ देंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे ऐसे करेंगे और छोटी छोटी ये लोइयाँ, जैसे आपको सही लगे अपने हिसाब से आप लोई तोड़ सकते हैं पराठे के लिए। एक हम लोई लेंगे और हथेलियों की हेल्प से इसकी हम एक लोई बना लेंगे और इसको हल्के हाथों से हम बेलते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार इसको आकार दे सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी आप देना चाहें आप इसको आकार दे दें। ये देखिए ये पराठा हमारा, यहाँ पे पैन मैंने रख दिया था, गरम हो चुका है। अब इसके ऊपर हम अब ये पराठा डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और इसको घुमा के ऐसे देख लेंगे, जब वन साइड हमारा हो जाएगा फिर इसको हम पलट देंगे। तो एक साइड हो चुका है, इसको मैंने पलट दिया है। जब ये दोनों साइड हल्का हो जाएगा उसके बाद इस पर हम घी लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड हल्का हो चुका है। अब इस पर ये हम घी लेंगे थोड़ा सा। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, नहीं तो फिर पराठा हमारा जल जाएगा। और इसको हम पलट देंगे, दूसरी साइड भी हम घी इसी प्रकार लगाएंगे और दोनों साइड ऐसे ही पलट देंगे। तो ये देख सकते हैं दोनों साइड से पराठे हो चुके हैं। अब इसको अलग प्लेट में हम निकाल लेते हैं।
अब इसी तरह हम अपना दूसरा भी पराठा बना लेते हैं। इसी तरह से हम अपने दूसरे पराठे को भी बना लेते हैं। इसको पलट देंगे। दोनों साइड होने के बाद इस पर हम घी लगाएंगे और इसी प्रकार से हम अपने सारे पराठों को बना लेते हैं। दोनों साइड मैंने तेल लगा दिया है। अब इसी प्रकार से हम अपने सारे पराठों को बना लेते हैं। लाल साग का पराठा बनके मेरा रेडी। इसे आप सब्जी के साथ, सॉस के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। खाने में ये काफ़ी टेस्टी होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।